हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ यही है कि हम अच्छे रहें और खुश रहें। और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, तो 3-4 दिन से पूरा मौसम गंदा हो रखा है। यहाँ पे मौसम गंदा है क्या मतलब, धूप नहीं हो रही है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, और कपड़े भी रखे हुए हैं सारे। चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। तो बस, और अमरूद मेरे घर में बहुत हो गए, बहुत पकने लगे। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी जो है वीडियो बना रही हूँ। ज़्यादा घर जाना मेरा ठीक नहीं है, पानी वानी से वो हो रखा है। पूरी सोसाइटी कॉलोनी पूरी बंद है यहाँ से। और ये देखिए पूरा नज़ारा मेरे गार्डन का। अब पानी पड़ गया है तो अब ये फूल वगैरह जो है, ये सब ये जो फूल है ये वाला भी निकलेगा, निकलना शुरू हो गया है। जब पड़ता है ना तो वो उसकी बात ही अलग होती है। सारे फूल झुक गए हैं बताओ। और बस, तो मैं जा रही थी पापा वाले रूम में देखने सामान कुछ, क्योंकि देखिए चादर रखा हुआ है। बारिश से पूरा पानी से पूरा भर गया है घर। कोई चिल्ला रहा है पता नहीं शायद। तो मैंने मिर्च काटा था हाथ से और उसी हाथ से मैंने लगा लिया क्रीम। अब मेरे छर पूरा चेहरा पूरा छरछरा रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है, जल रहा है। हमारी गांव की भाषा में बोले तो छरछराना बोलते हैं। और वैसे मेरा फेस जल रहा है। और ये मंदिर, क्योंकि बहुत अंधेरा था यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। और क्या कहते हैं वो, सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। मुझे लेना था कड़ा, क्योंकि मैंने एक चूड़ी पहन रखी है और कड़ा वगैरह तो है ही, मैं लेके आई हूँ जो, लेकिन यहाँ से देख लेती हूँ क्योंकि देखती हूँ यहाँ से कुछ मिल जाए तो मुझे मिल जाए। मेरे ही कड़े थे वो, जो बंगाली वाले कड़े नहीं होते वही सारे रखे हुए। और बस अब खाना मेरा बन गया है। मैंने आज पुलाव बनाया है और सोयाबीन मैंने नहीं खाया था, मैंने सोचा कि सोयाबीन खा लूँ थोड़ा सा सही रहेगा मेरे लिए, तो मैंने सोयाबीन बनाया है आज। सोयाबीन और बॉयल आलू था तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और तो आपको दिखाते ही, तो मतलब इसी में से पहन लेंगे, इसी में से सोच रही हूँ चूड़ी पहन लूँ थोड़ा सा चेंज करके बदल के, थोड़ा अच्छा लगता है। दिखाती हूँ आप सबको, मेरी ना चूड़ियाँ बहुत जल्दी फूटती हैं, ख़राब होती हैं, मतलब डेली काम रहता है ना इस वजह से ख़राब हो जाता है। यहाँ इसी तरह ससुराल में भी होता था, जब कोई काम करना रहे या मतलब कोई ऐसा काम रहे तो बहुत जल्दी मेरी चूड़ियाँ, जितनी शादी की चूड़ी थी मैंने भर भर के पहनी, खूब पहनी, सब ख़राब हो गई हैं। देखते हैं इसमें कुछ बचा कुछ है। घर में पहनने के लिए डेली ऐसे ही सही रहता है, बाकी वैसे फैंसी चूड़ियाँ मैं उस दिन लेके आई थी जो रायबरेली से, तो वो भी मैंने रख दिया उठा के, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, यही वाली चूड़ी थी वो, ये वाली। और मम्मी के लिए लीजिए लेके आई हूँ, वो भी है, तो मम्मी अपना शादी में लेके गई हैं, अभी तक वो आई नहीं है। देखती हूँ दिखाती
इसमें से सोच रही हूँ पहनने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा रेड पहन लूँ सोच रही हूँ। मोटी एक पतली है, सब ये सब टूटी हुई हैं और ये मुझे सही लग रहा है कंगन। इसमें कई और मिल जाए तो मैं कंगन ही पहन लूँ, ये भी सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, इसमें का नहीं है, ये इसमें का है। इसमें का जोड़ा मिल गया है तो इसको पहन लेंगे और देखते हैं। ये भी नहीं है, इसमें का एक मिल जाए तो अच्छा हो जाए, येलो वाला तो मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है देखने में। और ये देखिए सांका पोला, ये मम्मी का है, मैंने रख रखा है मेरी शादी में, और इसको इसमें रख देते हैं, जब काम पड़ेगा तब निकाल लेंगे। तो ये मैंने पहन लिया है कंगन, एक एक कंगन डाल लो तो सही रहता है, और चूड़ियाँ जितनी मेरी रहती हैं सब टूट जाती हैं जल्दी जल्दी, बस उठा उठा रख देंगे। और ये देखिए पूरा घर जो है चप्पल जूते से भरा हुआ है, पूरा रखा हुआ है सामान, यहाँ पे भी चप्पल जूता, यहाँ पे भी चप्पल जूता। इसको बंद कर देंगे किसी घर से। आज रात में क्या हुआ था, बहुत बड़ी एक सी मतलब बहुत बड़ी एक चीज़ पता नहीं क्या था कि जब एक ढाई बजे, मैंने आपसे बताया था कि 2:30 बजे मतलब आते हैं वो पुलिस वाले, वो करने पेट्रोलिंग करने आते हैं, तो 2:30 बजे आते हैं, तो आज उस टाइम पे नहीं आया था और पहले शायद आ गए थे क्या, तो पता नहीं क्या बाइक जा रही थी और इतना तेज कुछ मतलब ले के कोई भागा कि क्या हुआ समझ में नहीं आया, तो धड़ाम से गिरा, इतनी तेज आवाज़ आई तो हम चौंक गए, उठ गए, पापा उठ गए, पापा बोल रहे हैं कि देखो देखो कोई चोर वोर तो नहीं आया, फिर आंगन में पूरा चेक किया, सब जगह चेक किया, कोई नहीं था। हम लोग डर के मारे बहुत परेशान हो गए थे आज, तो आज पूरी रात डर डर के सोए हैं। और ये देखिए मेरी शादी, शादी की नहीं उससे पहले की, जब मैं जाती थी पढ़ने DL.ED करती थी, BTC करती थी, तब की ये जूती है। और ये है, ये भी सैंडल है, और ये जो ख़राब है पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये मेरी वो क्या बात बोलते मेरी छोटी थी तो ये दांत से पूरा काटा था उसने, उस बच छोटी थी ना तो इसलिए वो काटी थी दांत से, क्योंकि उसके दांत में निकल रहा था तब वो काटी थी। और ये जूती जो है ये मेरी शादी की है, एक और है, दो है, तो एक और तो वहाँ पे ससुराल में है, एक ये है, तो याद आती है ना ये सब चीज़ें संभाल के। मैं पहन के आई थी उस टाइम पे तो डॉक्टर ने अभी मना कर दिया है इसे पहनने के लिए, तो इसको साफ़ करके मैं आज रख देती हूँ पोलोथीन में, वरना जो है दिक्कत हो जाएगी। इसको रख देते हैं अंदर, और चूहे वगैरह आते रहते हैं तो चूहे से दिमाग ख़राब हो जाता है। और मौसम कैसा मौसम हो रहा है, पूरा पूरा मौसम देखिए कैसे हो रहा है पूरा। बस सब चलेंगे उस वाले रूम में। अरे ये मैंने बनाया था गणेश जी, मैंने ही बनाया था गणेश जी, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो जो टंगा हुआ है वो, ये क्या बोलते हैं झालर, इसको मैंने हाथ से बनाया था सन 2015 या 14 में बनाया था वो। और ये भी मैंने हाथ से बनाया था गणेश जी को पूरा, मुझे मैक्रम का सामान आता है बनाना तो मैंने इसको बनाया था, जो बहुत मतलब आज आता था बनाना। मैंने झालर भी बनाई हुई है इसी की मैक्रम की डोरी की, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और ये मेरा दूसरा रूम है जिसमें पापा लोग रहते हैं, तो इसमें भाई सोता है यहाँ पे। और मुझे ये चद्दर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैक्रम की डोरी का मैंने नहीं बनाया था, मेरी मौसी ने बनाया था ये, तो ये देहरादून से है, तो मौसी लेके आई थी मम्मी को देने के लिए, ऐसे मतलब लेके आती रहती हैं तो हम लोग का चलता रहता है, मौसी देती रहती हैं। और सामान वामान देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्रेस यहाँ पे है, एक उस वाले रूम में है, ये मेरे भाई का रूम है, दूसरा रूम है, बहुत चिल्लाएगा अभी है नहीं तो इसलिए वीडियो बना दे रही हूँ,
देखिए यहाँ पे सामान वामान रखा हुआ है, और ये यहाँ पे अवार्ड पड़े हुए हैं। तो ये मेरे भाई को मिला था अवार्ड माता सरस्वती, उसमें जीके कंपटीशन हुआ था, तो मेरा भाई फर्स्ट आया था तो उसमें मिला था ये, उसमें मिला था। और ये जितने भी प्राइज हैं, ये प्राइज मिला था मेरी बीच वाली बहन को, सिस्टर को। बहुत सारे खेलकूद में भाग लिए हैं उसने, साइंस में और बहुत सारी प्रतियोगिता में, मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं पढ़ती थी। मैं पढ़ती थी कानपुर में, फ़ोन वगैरह जाता था तो मैं तो मुझे पता था। और ये रहे जगदीश चंद्र बसु जी, ये भी मिले थे। स्वामी विवेकानंद जी भी मिले थे। दुद्धी का है ये, दुद्धी सोनभद्र में मिला था मेरी बहन को। और ये मिला था काशी में, मिला था सुल्तानपुर में, धम्मौर में मिला था ये। और ये मेरे भाई को मिला था, ये भी मिला था जीके कंपटीशन में मिला था ये मेरे भाई को। ऐसे लग रहा है कि आपको गिफ्ट है कोई, तो उन लोगों ने ही दिया था। तो ये जल्द कुछ है सिस्टम, इसमें वायर वगैरह लगे हुए हैं तो मुझे नहीं पता उतना इसके बारे में। तो ये मेरे घर में अवार्ड बहुत सारे आए हैं। अरे एक दो मेरी बहन को, छोटी वाली बहन को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। ये देखिए सब, ये जो दुर्गा माँ हैं और यहाँ पे जो गणेश लक्ष्मी जी, ये सब भी मिला हुआ है। तो वो पुराना मतलब फूल है, उसको वहाँ पे रख दिया हम लोगों ने ऊपर। और ये डिश टीवी है, इस वाले रूम में भी है, उस वाले रूम में, वाली तो बंद हो गई है, ख़राब हो गई है चलना। तो LG का है ये, और मैंने इसको अभी चलते नहीं देखा क्योंकि शायद ये रिचार्ज नहीं है। तो ये मेरे भाई का सामान पड़ा हुआ है, भाई का और मम्मी का पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको ज़्यादा कोई छू छा नहीं कर सकता। ये उसकी बोतल है और ये उसी का प्रेस है, कोई यूज नहीं करता वही यूज करता है। और उसके दोनों बैग हैं, ये सूटकेस भी उसी का है, और एक सूटकेस इसी में का है छोटा वाला, वो लेके गया है। और ये रहे, ये मैंने गिफ्ट दिया था अपने भाई को बर्थडे पे, तो वो इलाहाबाद में था तब मैंने इसको भेजा था। इसके ऊपर वाला उसने तोड़ दिया है शायद, तो ये 400-500 का पड़ा था मुझे, तब मैंने उसको दिया था। और ये देखिए उसकी कंघी वगैरह सब इसमें रख के जाता है, सारा सामान छूती नहीं हूँ मैं कुछ उसका सामान वामान, तो ऐसे पड़ा। और वो अपना सारी चीज़ें बहुत क्लीन रखता है, एकदम साफ़ सफाई से, मतलब इधर उधर कोई सामान नहीं हो पाता। मुझे उसका ये बिस्तर बहुत पसंद है, ये चादर बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं छीन के चुपके से लेके भाग जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, चिल्लाने लगेगा। बज रहे हैं 11 और मैं, और वो उसका पता नहीं क्या है, ये सब चार्ट वगैरह पता नहीं क्या, बिजनेस का क्या है, मुझे सब नहीं पता इसके बारे में। और ये हैं उसके कपड़े इतने सारे, मैंने एक बार गिना था, मैंने 40 से भी ज़्यादा जोड़ी गिना था इसके कपड़े। और ये क्या करता है, अब पहनता है कि नहीं पहनता, वो नहीं पहनता है, बहुत अजीब लड़का है ये। इतने सारे कपड़े ले लेके सब मिंत्रा से, इससे, फ्लिपकार्ट से, ये सब से कपड़े मंगाता है। और इकलौता बेटा है ना इसीलिए। और ये ऑनलाइन घड़ी मंगाई थी उसने, भाई ने, एक यहाँ पे लगी हुई है घड़ी उसके कमरे में, देखिए दो दो घड़ी लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है घड़ी। घड़ी तो उसने पूरे कमरे में लगा रखी है, 6 रूम है, 6 रूम में इसमें 2 है, मतलब 6 घड़ी है, 6-7 घड़ी है लगी हुई है। और ये उसकी बाइक है, इसको कोई नहीं चलाता, वही चलाता है, मेरा भाई ही चलाता है बाइक। और ये कपड़ा रख रखा है उसमें साफ करने के लिए, आएगा तो फिर पूरा को अपने हिसाब से रखना पसंद है, कि जरा सा भी इधर उधर सामान नहीं होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर हो चुका ना होगा तो मुझे चिल्लाने लगेगा वो। और ये मेरे पापा का बिस्तर है, उनने उनको ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटा बेड पे सोता है और बाप इस पे, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि पापा कभी कोई सामान नहीं छू सकता है, तो उनका कोई सामान नहीं छूता है। तो ये जो चौकी है ये बहुत मजबूत है, शीशम की लकड़ी की है, और ये मेरे दादा इस पे सोते थे, और ये दादा की चिन्हानी है, दादा की मतलब इतनी वजन है कि एक बार मैंने इसको उठा लिया था तो पूरा मेरा कमर में, पीठ में, पैक में पूरा दर्द हो गया था, इतनी वजन है ये, लेकिन मैंने इसको उठा लिया था। और ये मेरे पापा इसमें रखते हैं नारियल का तेल, नहीं इसमें कड़वा सरसों का तेल लगाते हैं, और ये बोरोलिन ज़रूर लगाते हैं। और ये आई ड्रॉप रखा हुआ है, ये उनका टॉर्च वगैरह है कुछ है शायद, हाँ टॉर्च है, लेके ऑफिस जाते हैं ड्यूटी अपना। और उनका बाल्टी और उनका जग और उनका ग्लास, ये तीनों चीज़ यहीं रहता है, कोई हटा नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, उनका सामान कोई छू नहीं सकता, एक उनके बेटे का सामान कोई छू नहीं सकता है।
और ये रही दातून, पापा मेरे करते हैं दातून। और बस ये चार्जर है दो पापा का, एक शायद इसमें से ख़राब है और एक उन्होंने नया लिया है अभी। तो बस ये गणेश जी पिछले साल के ही ला के चिपकाया गया था। और ये पापा की मच्छरदानी है, पापा की मच्छरदानी है, ये गोल वाली है, ऑनलाइन ही मंगाया था इसको। और 11:05 हो रहा है बस। अरे देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब सिलेंडर पिलेंडर रखा हुआ है इसमें। यहाँ पे ये दो ड्रम है, इसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, ये दो ड्रम में अनाज रखा जाता है। और बस उधर मंदिर है और उधर ये स्टोर रूम टाइप में है, पूरा बक्सा वक्सा कापी किताब उताब, मतलब ये मतलब ऐसे कापी किताब हैं जो यूज लायक है, मतलब पढ़ने का, किसी के पढ़ने उड़ने के लिए रखे हैं। और ये रहा फ़ैन, गर्मी जैसे लगती है बाहर, गर्मी लगती है जैसे गर्मी में, तो इसको उठा के लगा लेते हैं। बाकी सब यही सब है घर में। ये आंगन है पीछे, मैंने दिखाया ही आपको, ये देखिए यहाँ पे भी कापी किताब का पूरा भंडारा लगा हुआ है मेरे घर में। तो भाई अगर रहता तो कुछ भी बनाने नहीं देता, और नहीं है इसीलिए जो है मैंने बनाया है वीडियो। और ये बिस्तर मेरा फेवरेट बिस्तर है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ्लावर। मम्मी की पसंद बहुत अच्छी होती है, उनके वो बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छा पसंद करती हैं। और वो जो दिख रही है आपको पेंटिंग, वो मेरी बहन ने बनाई थी, उसमें कलर भरना रहता है कुछ करना पेंट वगैरह, तो वही बनाई थी वो पेंटिंग। और यहाँ पे है ये सब चार्ज पार्ज करने वाला मोटिन वगैरह लगा, अपना सब चीज़ परफेक्ट रखता है वो, सारा सामान सब जगह मतलब रखता है। अभी झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं इसमें, लेकिन उसको लगेगा वो जब आएगा, हर दिन झाड़ू लगता है लेकिन जब आएगा ना तो वो एक एक कचड़ा निकालेगा, एक एक चीज़ पूरा निकाल के साफ़ साफ़ करके अच्छे से साफ करके पानी से धुलेगा, पावदान धुलेगा सब पूरा, मतलब कि एकदम क्लीन रहता है। उसका सामान कोई छू नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बस तो अभी पापा भी नहीं आए हैं, 11:00 मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। मैं डरती रहती हूँ कहीं आ जाए 10:00, क्योंकि 10:00 उनको टाइम मिलता है शायद, ड्यूटी से छुट्टी मिलती है थोड़ा देर के लिए लंच करने के लिए। तो बस और बाकी मेरे मूड, मैं ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ किसी के बारे में, कोई मुझे कुछ कुछ कहता है तो मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, सब नहीं करना चाहिए मुझे, और परेशान हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेकर। लेकिन बाद में समझ में आता है, माइंड को शांत करती हूँ 15-20 मिनट, तब रिलैक्स होती हूँ। और तुरंत मुझे कोई कुछ बताता है तो मैं हड़बड़ा जाती हूँ। मैंने इसलिए हस्बैंड जी को भी कह रखा है कि अगर मुझे कुछ वैसी बात रहा करे तो मुझे मत बताया करो, क्योंकि मुझे ना चाहते हुए भी अजीब सा लगने लगता है। तो उन्होंने कल बताया था तो मुझे एकदम उलझा होने लगी थी कि मेरा हाँ मेरा ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। लेकिन फाइनली उस काम के लिए मतलब मैंने जिनको पैसे दिए हैं, जिनको काम करवाना है, तो वो अच्छे इंसान हैं, वो परिचय के इंसान हैं। मैंने लगा कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो हैं ऐसे ऐसे रिलेशन में, उनके मतलब रिलेशन में हैं और हमारे रिलेशन में रिलेटिव हैं। मेरी जबान लड़खड़ाती है इंग्लिश बोलते समय, तो काम हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और ईश्वर करे कि बस वो काम जल्दी से हो जाए, और आप सबकी दुआ रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो अच्छे से हो जाएगा। ये रूम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और मैं दिखाऊंगी किसी दिन वो वाले रूम का टूर करवाऊंगी। मैंने सोचा दिवाली में करवाऊंगी, दिवाली में इतना काम होता है, इतना काम होता है, कैसे करवाएं कैसे नहीं करवाएं। और वो जो गुड़िया दिख रही झूले पे बैठी हुई, उसकी एक आँख नहीं है, लेकिन हम वो उतनी अच्छी लगती है, इतनी क्यूट लगती है वो, कि हम लोगों ने उसको हटाया नहीं है अभी तक, वहीं पर वो पड़ी रहती है हमेशा। जब वो झूला धुला जाएगा, गुड़िया भी धुली जाएगी, और फिर उसके ऊपर वो ऐसे बैठ जाती है मुंह बना के, और इतनी छोटा सा मुँह छोटी थी ना, कितनी अच्छी लगती है देखने में, एकदम मस्त लगता है देखने में। तो बस यही रहा मेरा घर। और वो ऊपर पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे हैं क्या बोलते हैं वो स्टोर ही, वो समझिए पूरा मतलब बल्ब वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह, कुछ मतलब जो ऐसे सामान हैं जो यूज में नहीं आने वो रखे हुए हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का, आप सभी को बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार दीजिए, नहीं तो फिर
थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम, मेरी इतनी फैमिली तो बनी, कम से कम इतने लोग सब्सक्राइबर तो हुए, किसी के मतलब ये कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, किसी भी हाल पे मिलेगी, किसी भी कीमत में मिलेगी। और धीरे धीरे किसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो वो चीज़ पक्का मिलेगा, 110% मिलेगा, मुझे ये पता है। मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, मैं एक बार नहीं, मैं हज़ार बार ये चीज़ बोलने को तैयार हूँ कि उन्होंने मुझे धैर्य सिखाया है, सिखाया नहीं है, मैंने उनसे सीखा है, वो सिखाते नहीं हैं। वो सिखाते हैं सिर्फ ये चीज़ कि अगर तुमसे कोई कुछ कहता है, कुछ गलत बोलता है या कुछ कहता है, तुम एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैंने ये चीज़ सीखी है। और मैंने ये भी सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, मीन्स बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, आपके ज़मीन से, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए, आपको हारना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। आप थोड़े समय के लिए अपना धैर्य खो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पीछे उस कि जिस काम के पीछे पड़ना है, जो काम आपका नहीं हो रहा है, उसके पीछे एकदम जी जान से पड़ जाना है। तो मैंने ये चीज़ सीखा है और मैं ये कर रही हूँ, मैंने उनसे सीखा है। और इसीलिए मैं यूट्यूब पर हूँ कि मैं धैर्य नहीं खोती हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है। और वो चीज़ मुझे उनकी इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि लोग मुझे ये कहते हैं, मेरे घर वाले, कि तुम उनकी वाइफ हो तो उनसे कुछ सीखो, पेशेंस सीखो लाइफ में, और हारो मत, हार मत मानो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ है, उनसे तुम्हारी शादी हुई, कम से कम ये तो सीखो कि हारो मत और बनी रहो, मीन्स जिस चीज़ को लेकर चल रही हो उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहो, चलते रहो, हारो मत। कितना भी उनको बड़ा नुकसान हो जाता है, मैंने देखा है बहुत सारे, बहुत बार देखा है, मैंने बहुत सारे लॉसेस हुए हैं मेरे रहते, लेकिन वो बंदा, वो इंसान 1% भी नहीं, मतलब झुक, मतलब हारना ही नहीं है, हार मानी ही नहीं है। और मैं तो होती तो मैं तो चल बसती, ऊपर चली जाती, लेकिन वो बहुत समझदार, बहुत, और ईश्वर करे, जब पता नहीं क्या है, तारीफ़ करती हूँ तो थोड़ी सी नज़र लग जाती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ तो मेरी थोड़ी पक बक 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 हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और किसी दिन कभी कोशिश करूँगी उनको यूट्यूब पर लाने की और दिखाने की। तो बस अपना पेशेंस और धैर्य बनाए रखें, कोशिश करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे अपना प्यार और अपना दुलार देते रहिए। माताएं बहनें अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।